हमने सड़क पार कर ली और देख रहे होंगे कि चालू रोड है ये। और कुछ लोगों से बात करेंगे घाट लोडिया के ही। मैंने जैसे बताया कि शहरी विधानसभा क्षेत्र है तो सभी लोग अपने व्यवसाय में है, शाम हो चुकी है और थोड़ा सा बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। दुकान वाले ही हैं, जैसे ही आप चौराहा पार करेंगे तो थोड़ा इनसे बात कर लेते हैं। अंकल जी, इस बार विधानसभा में कौन जीत रहा है? गुजरात चुनाव। हाँ, गुजरात चुनाव में मुख्यमंत्री की सीट है आपकी। भाजप कौन ले? क्या कारण है? भूपेंद्र भाई के चेहरे पर वोट करने वाले या बीजेपी को वोट करने वाले? बीजेपी, ओनली मोदी के नाम से बीजेपी चलती है। व्यवसाय कैसा चल रहा है आपका? अभी कोरोना के बाद ठीक है। कोरोना के बाद ठीक है। मदद मिली है कुछ सरकार की तरफ से कोरोना के बाद? और क्या ऐसे मसले हैं जिसके ऊपर आप बीजेपी को वोट करने वाले? क्या मुद्दे हैं और क्या ऐसा बेहतर किया है जिसके ऊपर आप बीजेपी पे फिर से भरोसा जता रहे हैं? कारण है हिंदुत्व, और जो मोदी साहब ने 8 साल में जो किया, बहुत परिवर्तन किया, 370 है, 3 तलाक है, और कई मुद्दे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी मुद्दा है, समान नागरिक संहिता वो भी है, राम मंदिर है, बहुत वो है, तो मतलब मुद्दा है। बहुत अच्छे के नाम पर भी इस बार वोट जाएगा। वोट जाएगा। ये देखिए, ये भी एक विषय है हिंदुत्व का। जैसे बताया, ये व्यापार करते हैं और हिंदुत्व एक मुद्दा है इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव का। बात करोगे भाई, कुछ काम करते हो यहाँ पे या यहीं के रहने वाले हो? काम करते हो, कितने साल से रह रहे हो? ये 9 साल हो गए। 9 साल हो गया, कैसा परिवर्तन दिख रहा है आपको यहाँ पे? आप तो प्रवासी हो, कितना बेहतर दिखा है, क्या बढ़िया लगता है यहाँ पर? अच्छा, पब्लिक भी अच्छा है और गाँव के लोग यहाँ काम करते हैं। तो बंगले में काम करता हूँ। अच्छा, तो बीजेपी ने यहाँ बढ़िया काम किया है, दिख रहा है? हाँ, अच्छा काम किया। प्रवासी मजदूर हैं ये लोग, और प्रवासी मजदूरों की खासियत ये होती है कि भले ही ये राजनीतिक रूप से सक्रिय ना हो, लेकिन देखकर ये समझते हैं कि राजनीतिक रूप से इनकी सोच बड़ी होती है, राजनीतिक सोच में सक्रियता बड़ी होती है। कुछ लोग और हैं, आप अंकल जी बात करोगे? घाट लोडिया विधानसभा है, आप तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। और यही रहने वाले हैं? यहीं के यहीं रहने वाले, होटल वाला भैया हूँ मैं। अच्छा, यहाँ आप होटल चल? हाँ बोलो। वापस से क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी आने वाली है, कांग्रेस या बीजेपी दोबारा रिपीट करेगी? आएगी तो भैया बीजेपी, मगर बहुमत कम आएगा यही सब में। ये आप बहुमत और कांग्रेस का उसका मार बढ़ेगा। क्या कारण है कि सीट कम होने वाली है इसमें? तो देखो, एक तो मोरबी का काउंटर, मोरबी का उसका असर होगी और ज़्यादा असर होगा। महंगवारी, महंगाई इतनी बढ़ गई, हम जो 400 में जो बाटला भराते हैं ना, अभी 1100-1100 रुपया हो गया है। और कमर्शियल जो बाटला है ना, वो पहले हम 800 में भराता था, उसका 1600 रुपया हो गया है। कमर्शियल बाटला जो होता है ना, वही बाटला। ये महंगाई ज़्यादा हो गया भैया, महंगाई बहुत मिलती है। और सब सुविधा, रास्ता बाता देखो, सब बढ़िया है। आने जाने का पुल बड़ा बढ़िया, बड़े बड़े हाईवे बढ़िया बनाए भाजपा ने, मगर महंगाई बहुत हमको पड़ती है भैया। भूपेंद्र भाई पटेल आते हैं यहाँ पर चुनाव के बाद? अरे इधर तो आते हैं और सर्विस बड़ी बढ़िया देते हैं हमको। इधर आते हैं और कभी कोई आगे पीछे कुछ तकलीफ होती है तो आके बोलते हैं, उसके अनुयायी होते हैं तो कार्यकर्ता भी हमको बोलते हैं, कुछ काम हो तो बोलना भैया, कि ऐसा हमको सपोर्ट उन लोगों का मिलता है। सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, व्यापारी हैं, कोरोना के बाद सरकार की तरफ से मदद मिली है आप लोगों को? अरे भाई मिले तो है, मगर 50% मिले, 50% नहीं मिले, परेशान तो बहुत हो गए भैया। मेरे फैमिली में 2-3 केस आए थे, हमको ऑक्सीजन का बाटला भी नहीं मिलता था। दूर दूर के भगवान ने हमको बता लिया कि हमारा घर का 2 मेंबर कम हो जाता है ऐसी। हाँ, ऐसा ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल पाए, नहीं मिलता था भाई, इतनी दौड़ा दौड़ हो रही थी। आप देखो तो कहीं मिले ही नहीं भैया, वो भगवान की दुआ से हम वापस आए, नहीं हम आ नहीं पा भैया। तो बीजेपी को जब इतनी परेशानियां हैं तो वापस से बीजेपी रिपीट करने का क्या कारण है कि माहौल जो बीजेपी के पक्ष में बन? काम जो दिखा रहे हैं ना, काम उसका बोलता है, काम बढ़िया कर रहे हैं। हाँ महंगवारी है, मगर उसके जो प्रोग्रेस है ना, काम वाम जो देखो वो बढ़िया चलता है, इसके वजह से उसको आपको काम दिखाई देगा। कहीं भी आप जाओगे और तो आपका उसको काम दिखाई देगा। ठीक, बहुत धन्यवाद। कुछ और बुज़ुर्ग हैं, वडिल लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। गुजराती में बुज़ुर्गों को वडिल बोला जाता है। चचा, बात करेंगे आप, एक तो सबसे पहले बताएं, आप यहीं रहते हैं घाट लोडिया में ही हैं? बाहर रहते हैं आप? सर आप यहीं रहते हैं? अच्छा, आप इधर, हम थोड़ा बतिया लें इनसे, थोड़ा सा ये पत्रिका साइड में कर लेते हैं। भूपेंद्र भाई यहाँ से विधायक है, मुख्यमंत्री है, वापस से
रिपीट होने वाले हैं या इस बार घाट लोडिया में परिवर्तन दिख रहा है? शायद वही रिपीट होंगे, वही रिपीट होंगे। क्या कारण है ऐसा? यहाँ पर बीजेपी ही आती है। 2012 से ये सीट आई और 2012 के बाद से बीजेपी ही आ रही है। पहले आनंदीबेन पटेल, फिर भूपेंद्र भाई पटेल, दोनों मुख्यमंत्री बने। तो ऐसा क्या विकास हुआ घाट लोडिया के तौर पर, शहरी विधानसभा है, जिसकी वजह से वापस से बीजेपी बार बार और 27 साल से पूरे प्रदेश में कायम है? विकास तो कुछ नहीं है, पर यहाँ जो धर्म के नाम पे वोट जाते हैं, धर्म के नाम पे हिंदुत्व एक मुद्दा है, हिंदुत्व मुद्दा है। आम आदमी पार्टी को जनता मौका दे सकती है? दे सकती है, कई इलाकों में है उसका प्रभुत्व। हाँ, प्रभुत्व है। यहाँ पर और भी लोग हैं, बहुत शुक्रिया आपका कि यहाँ पे आप बात करेंगे। यहीं के रहने वाले हैं आप? नहीं, बाहर बाहर से रहने वाले हैं। ये मैंने जैसे बताया कि शहरी क्षेत्र है, शहरी विधानसभा है, बहुत से लोग प्रवासी भी हैं, बहुत यहाँ के स्थायी निवासी भी हैं। तो तमाम एक मुद्दा यहाँ से निकल कर आया कि मुद्दा यहाँ पर एक हिंदुत्व भी है। तो और कुछ बुज़ुर्ग हैं, इन लोगों से बात कर लेते हैं कि चुनाव का माहौल क्या चल रहा है। आप लोग बात करेंगे? यू आर मच मोर बेटर स्पीक कंपेयर टू सर्विस पर्सन रियल। आई एम द रिटायर्ड पर्सन 20 इयर्स पास्ट, बट यू आर सिटीजन। आवर वॉइस इज नॉट क्लियर। आप बात करेंगे, बट यू आर अ सिटीजन ऑफ दिस डेमोक्रेसी। यू आर अ सिटीजन ऑफ दिस डेमोक्रेसी, तो इट इज योर रिस्पेक्टफुल ड्यूटी टू स्पीक। आप बात करते हैं, आपसे बात कर लेते हैं, इतना शर्माने वाली बात नहीं होती है। कैमरा ही है और माइक है, यहीं के रहने वाले आप? नहीं, ये घाट लोडिया चाणक्यपुरी है। हाँ, घाट लोडिया विधानसभा से ही है ना आप? हाँ, आज एक कैंपियन, एक नारा बीजेपी ने दिया है, बीजेपी के अध्यक्ष है सीआर पाटिल गुजरात के, और नरेंद्र मोदी के नाम से एक नारा आया है कि ये गुजरात मैंने बनाया है। ठीक, इस नारे को आप कैसे देखते हैं और ये नारा क्या गुजरात चुनाव में सफल होगा? ये तो बात सही है, नरेंद्र मोदी जो बोलता है ना वो तो अच्छा है, सही बात बोलता है। उसका काम, उसके हर एक प्रकार के उसकी बहुत बहुत अच्छी है। घाट लोडिया में क्या विकास दिखता है और क्या सचमुच में इस गुजरात को नरेंद्र मोदी ने ही बनाया है या पीछे 70 सालों का इसमें योगदान भी है? योगदान देता है ना, सही योगदान दिया है नरेंद्र मोदी ने, योगदान दिया है। आप अंकल बात करेंगे, आप ये बताओ, आज नारा दिया है बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं उनके नाम पर, कि ये गुजरात मैंने बनाया, जैसे एक नारा आया था ना अब की बार मोदी सरकार, तो आप इस नारे को कितना सक्सेसफुल मानते हैं और क्या नारा ये सही है? नहीं जी, जी सर, मैंने कहा ना गुजरात का, गुजरात के नागरिकों को, गुजरात को बनाया है, गुजरात के नागरिकों ने गुजरात को बनाया है, ये नारा सफल होगा। ये वाला नहीं होगा कि ये गुजरात मैंने बनाया? नहीं, उसके इसने वो कहा ना नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? नहीं, बीजेपी ने नारा दिया है, जैसे ये एक नारा आया था अब की बार मोदी सरकार, फिर नारा आया अब की बार 150 के पार, इस बार नारा दिया है बीजेपी ने कि मैं आज की बात कर रहा हूँ कि आज ये नारा दिया है, कल से आप सुनेंगे भी टीवी में कि मोदी जी की फ़ोटो है देश के प्रधानमंत्री की और ये लिखा हुआ है कि ये गुजरात मैंने बनाया है। कहने का ये तात्पर्य है कि मोदी साहब ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो पूरा डेवलपमेंट है, बीजेपी ऐसा बताना चाह रही है कि नरेंद्र भाई के ही कार्यकाल में ये पूरा डेवलपमेंट हुआ है। मैं सवाल इस पे कर रहा हूँ। डेवलपमेंट तो या गति चलती रहती है ना, गति तो चलने की बात कहे, बराबर जो भी आएगा वो काम करेगा, वो अच्छा को बुरा काम तो करेगा, होगा। इसीलिए वो तो गुजरात ने, गुजरात की जनता ने गुजरात को बनाया है, बराबर, ये बात सही है, ये बात सही है। अच्छा, दो समाज आपके यहाँ है, पटेल और रबाड़ी समाज, सबसे ज़्यादा उन्हीं की जनसंख्या है। पटेल समाज कपड़ा उद्योग में भी है, बिजनेस में भी है, आप के घर में भी कोई ना कोई बिजनेस ज़रूर करता होगा। महंगाई और रॉ मटेरियल की जो महंगाई है कच्चे माल की, वो नड़ रही है, मतलब परेशान कर रही है व्यापारियों को, कर रही है, बराबर है। तो इस
को लेकर चुनाव से पहले आप क्या सोच रहे हैं, बीजेपी क्या उपाय निकाले या तमाम चीजें? देखो वो मैं गए नहीं, वो तो ये सामने काम करता है, वो काम करने में पैसा कहाँ से आएगा, ये महंगे मैसेज आएगा ना, ये बात है, महंगे तो होगी थी, काम ये करता है सब। अच्छा, कुछ लोग बात करते हैं कि एक मुद्दा और, अंकल जी रुको आप यहीं पे, अब मैं वहाँ थोड़ी ना बैठूँ उसके ऊपर, हिंदुत्व एक मुद्दा है क्या यहाँ पे घाट लोडिया विधानसभा का? क्योंकि मैंने कई लोगों से बात की है तो लोग बता रहे हैं कि हिंदुत्व भी एक मुद्दा है यहाँ पर, बताएं इस। हाँ तो सही है ना, वो तो हिंदुत्व के साथ सब लोग यहाँ हिंदू के भावना से रहते हैं ना सब लोग, ये सही है मुद्दा, हिंदुत्व की भावना है, यहाँ भी हिंदुत्व की भावना है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड धारा 370, तीन तलाक, राम मंदिर, ये सब क्या चुनाव में मुद्दे रहने वाले हैं? सही है, रहेंगे। और इसके साथ जो रोजगार और महंगाई का मुद्दा है, जैसे व्यापारी वर्ग भी अभी मैं बात कर रहा था तो थोड़ा सा परेशान है, लेकिन डेवलपमेंट से खुश है, सुरक्षा से खुश है जो सरकार में मिल रही है, तो ये जो रोजगार महंगाई का मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा, उस पर ज़्यादा बीस पड़ेगा? हाँ ना, वो तो कैसे पड़ेगा, क्योंकि नहीं वो है ना, जो मोदी जी ने भी अभी अच्छा काम किया है, देश के लिए भी काम करते हैं बराबर, कुछ ऐसी भावना नहीं है कि मैं कुछ करूं, ऐसी भावना से काम करते हैं, सही है, तो हिंदुत्व का भावना है इसमें, इसीलिए वो रहेगा। तो हिंदुत्व एक सूत्र बनेगा बीजेपी से जनता को जोड़ने का। बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ लोग हैं, आप लोग बात करेंगे, मैं आप लोगों से कुछ बात जानना चाह रहा हूँ। नई पार्टी शामिल हुई है इस बार गुजरात चुनाव में, आम आदमी पार्टी। दिल्ली में उनका एक अपना विकास मॉडल है, जो 2013 में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का विकास मॉडल, जब वो मुख्यमंत्री थे यहाँ पर, तो उनका विकास मॉडल जैसे देश में चर्चा में आया, वैसे ही अरविंद केजरीवाल अपना विकास मॉडल गुजरात लेकर आए हैं। कितना भरोसा है उस विकास मॉडल पर? फिर अगले सवाल पर चलेंगे। खाली फ्री है, बाकी कुछ है नहीं विकास का मॉडल में। यहाँ विकास अहमदाबाद में देखो, श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने जो विकास किया है, मेट्रो दिख रहा है सबको, हमारा यहाँ रोड, रास्ता, ड्रेनेज, पानी और सारी सुविधाएं यहाँ एकदम इजी है। दूसरा एक है, हम यहाँ रात के 1 बजे 2 बजे इजी घूम सकते हैं, वो पहला हमारा प्लस पॉइंट है, हमारी सेफ्टी, हमारे बच्चों की, हमारी लेडीज की, सबकी सेफ्टी। और केजरीवाल और राहुल गांधी का भी बयान आया 3-4 दिन पहले कि गुजरात में महिलाएं बहुत ज़्यादा असुरक्षित है, और अरविंद केजरीवाल का भी बयान था कि हम आएंगे तो बसों में मार्शल की नियुक्ति करेंगे जिससे महिलाओं का सफ़र रात को सुगम हो जाए, सुरक्षित हो जाए। ऐसा नहीं है इस वजह से कि मैंने 3 दिन पहले यहाँ मिर्ज़ापुर की एक लेडीज थी, उसका इंटरव्यू दिया TV9 पे ही, मैंने उनको सुना था, मुसलमान औरत थी, उन्होंने खुद बताया था कि मैं इंडिया में, मैं गुजरात में और मैं अहमदाबाद में बहुत ही सेफ हूँ, बराबर है। वॉकवे जो अभी हमारा नया मोदी जी ने जो बनवाया है, उन्हीं पे उन्होंने ये न्यूज़ दिया था कि हम मुसलमान है फिर भी हम यहाँ एकदम सेफ फील करते हैं, समझो, हर ज्ञाति के लिए, हर समाज के लिए, हर समुदाय के लिए। यहाँ पर बन रहा है, आपसे बात कर लेते हैं, हिंदुत्व एक मुद्दा, बहुत लोगों ने बताया कि हिंदुत्व एक मुद्दा है, तो इसकी वजह से जैसे यहाँ पर प्रभुत्व तो पटेल और रबाड़ी समुदाय ही है जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, नहीं जैसे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है कास्ट की, वहाँ वो पटेल और रबाड़ी समाज है, लेकिन क्या मुसलमान और हिंदू के बीच कोई खाई भी उत्पन्न हो रही है या सब मिलजुल कर रहे हैं? नहीं, कोई खाई नहीं है, लेकिन ओवैसी, केजरीवाल ये सब आके बता रहे हैं, वो सब लोग झूठे हैं। सब लोग, हम व्यापार करने के लिए रखियाल भी जाते हैं, गोमतीपुर भी जाते हैं, जमालपुर भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग भी इधर काम काज ले जाते हैं, सब लोग आते हैं यहाँ पे, सब धंधा भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दंगा फसाद की कोई बात ही नहीं है, उनमें भी नहीं है, ये सब कांग्रेस और आपकी विचारधारा ऐसी रखने के लिए। अच्छा, सुद्दीन ओवैसी को कैसे देखते हैं आप गुजरात चुनाव में, किस लिए आए हैं? वो काम है लड़ाने के लिए आए हैं, मुस्लिमों को भड़काने के लिए आए हैं, बाकी कुछ नहीं है। और वो सम्मति भी है, नहीं सम्मति तो उसको 5 सीट मिलती ना, कहाँ पे मिली, सब डिपॉजिट डूल होने वाले हो, गिने चुने लोग कोई भी नहीं, गिने चुने लोग हैं जिनको वो भड़का रहे, बाकी कुछ है ही नहीं।
यहाँ गुजरात में ऐसा हर कोई सब सेफी है, कोई हिंदुत्व का और ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। एक सवाल, मैं आज बीजेपी का नया नारा कैंपेन चला है नरेंद्र मोदी के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर, कि ये गुजरात मैंने बनाया है और साथ में मोदी जी की फ़ोटो है, मतलब वही इस वक्तव्य को बोल रहे हैं, इसमें आप कितनी सच्चाई देखते हैं कि ये सच है नारा और काम करेगा चुनाव में? पूरा काम करेगा, क्योंकि 27 साल पहले का आप देख लो गुजरात और अभी देख लो, 2004 से जब मोदी साहब यहाँ पे थे तब से लेके आज तक देखो सब अच्छा। सुरक्षा तो पहला मुद्दा है बीजेपी का। हाल में पूरे गुजरात में जब भी कोई भी जगह पे घूमता हूँ ना तो मुझे सुरक्षा दिखता है। कोई भी लड़की यहाँ तो ठीक है, किसी भी जगह पे रात को 12 बजे पे जाएगी ना तो कुछ होगा नहीं। वो सुरक्षा का मुद्दा बीजेपी का सबसे पहले है और वो सही तरह का काम कर रहा है, काम करेगा मुद्दा ये जो ये गुजरात मैंने बनाया कैंपेन। कोरोना में भी इतना काम किया है, हर एक जैसे त्यौहार में भी हमें बिजनेस के लिए, धंधे के लिए, हम छोटे व्यापारी है, हमारा डेयरी का पार्लर है, तो हमें भी पूरी छूट दी गई है, पर हम अपना धंधा आसानी से कर सकते हैं। और बीजेपी केवल एक ऐसी सरकार है, कर्जा तो नहीं हो रहा, मैंने कई व्यापारियों से बात की, कह रहे कर्जा होता चला जा रहा है, उतर नहीं रहा। कोई कर्जा नहीं है, कोई कर्जा, हम यहाँ भी व्यापारी है सब। यहाँ तो बहुत हेल्दी कमा रहे हैं, समझो पहले की जो कमाई थी और अभी की जो ट्रांसपेरेंसी है मोदी साहब ने जो ये किए, बहुत बहुत बढ़िया है। तो वापस से जो आखिरी सवाल ले लेता हूँ, वोट किसके नाम पर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, भूपेंद्र भाई पटेल के नाम पर या बीजेपी के नाम पर? तीनों के नाम से, तीनों के नाम से। तो एक सवाल आपसे कि वापस से अगर बीजेपी जीतते हैं तो भूपेंद्र भाई को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए या चेहरा चेंज होना चाहिए? भूपेंद्र भाई है, उन्हीं को मुख्यमंत्री, उन्हीं को मुख्यमंत्री। चलिए बहुत धन्यवाद, और कुछ बहुत धन्यवाद। दूसरा एक ऐसा है कि मोदी और अमित शाह जी की जो जोड़ी है, वो जोड़ी जब तक रहेगी तब तक विकास, तब तक कल्याण, तब तक सुख संपत्ति बढ़ता ही जाएगा में और देश में होती रहेगी। चलिए बहुत धन्यवाद आपको, और कुछ लोगों से बात करते हैं। चाचा यहीं रहते हो आप, यहीं वोट यहीं करते हो, यहीं रहने वाले हो, कैसा लग रहा है, कौन जीत रहा है इस बार? इधर मोदी ही आने वाला है। क्यों? मोदी जी आएंगे। दूसरा कारण क्या है? कारण क्या क्या है, देखो इतने सालों से मोदी चल रहे, मोदी जी चल रहे, तो कैसे चलते होंगे, ये उनका काम बोल रहा है। उन्होंने आके जो जो काम किए, अरविंद केजरीवाल बोल रहे बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा कराने ले जाएंगे, कुछ नहीं ले जाता है, कोई नहीं ले जाता है, खाली बातें होती है, कोई लेके नहीं जाता है। फ्री बिजली भी दे रहे हैं अरविंद। हाँ, फ्री नहीं चाहिए आप? नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरी कोई सेफ्टी भी चाहिए ना साथ में, फ्री में लेके लालच में आके सब बिगाड़ने का थोड़ी है। राज्य का और देश का तंत्र जो चल रहा है वो सही चल रहा है, ऐसे महंगाई। राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो 10 लाख रोजगार दे देंगे, वृद्धों को पेंशन देंगे। कुछ नहीं मिलता है, वृद्धों को भी कुछ नहीं मिलता है, किसी को नौकरियां भी नहीं मिलती, पुरानी पेंशन भी बोल रहे हैं वापस, और पुरानी कुछ नहीं मिलने वाली, ये खाली बात है ये सुनने की। अभी क्या है, इलेक्शन है तो सबको लालच देंगे कि तुम ये करोगे तो हम ये करेंगे, तुम हमको लाओगे तो हम तुमको ये सुविधा देंगे, आपको फायदा होगा, कुछ भी होगा, मगर आने के बाद कोई सामने देखने भी नहीं आता है, कोई पूछता भी नहीं है आप क्या कर रहे हो, कैसे हो। तो इसलिए नरेंद्र मोदी पे वापस भरोसा जताने वाले, उस पर ही भरोसा है उसी, और उसके अलावा आपको कोई दिखता है कोई देश को संभाल सके ऐसा कोई? वो तो आप देखेंगे ना, आप वोट करो। हमको तो मालूम है, हमको तो मालूम है कि हमको कोई दिख नहीं रहा है, उसके जैसा डेयरिंग वाला, उनके जैसा जो समझदार जो इंसान है वही। हिंदुत्व के नाम पे भी वोट करेंगे? हिंदुत्व के नाम पे तो होने वाला ही है, क्योंकि हिंदू हो या मुस्लिम हो सब बीजेपी को ही मानते हैं। चलिए बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देखिए कई थोड़े से अहम मुद्दे भी निकल कर आए, और जो मुद्दा है व्यापारियों के लिए, सुगम व्यापार के लिए सुरक्षा एक बहुत बड़ी डिमांड होती है, एक सुरक्षा उन्हें चाहिए, एक सुगम व्यापार के लिए और बेहतर व्यापार के लिए सुरक्षा ज़रूरी है। तो लोगों का यही कहना है कि बीजेपी सरकार में हमें सुरक्षा मिली है। और दूसरा एक मुद्दा जो निकल के आया वो हिंदुत्व का एक बड़ा मुद्दा निकल के आया कि हिंदुत्व भी इस बार इस चुनाव में असर डालने वाला है। तीसरा जो मुद्दा है वो ज़रूर
लोगों का कहना है कि विकास यात्रा, गुजरात की विकास यात्रा यहाँ पर है और उस विकास यात्रा पर भी नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को वोट मिलने वाला है। और चौथी बात जो अभी तक की बातचीत में निकल के आई है कि आम आदमी पार्टी के अभी दिल्ली मॉडल पर लोगों को थोड़ा सा कम भरोसा है। कुछ यहाँ पर व्यापारी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि ये शाम को सुरक्षित व्यापार, मतलब सब्जी वगैरह बेचते हैं, कि सुरक्षित व्यापार होता है कि नहीं होता। कहाँ से हो भाई साहब? अरे बात करो यार, इतना औरतों को बुलाते हो सब्जी के लिए, हमसे भी बात कर लो। कहाँ से हो? अरे बताओ यार, इतना क्या शर्मा रहे हो? बताओ, मावा थूक दो फिर। मावा ने कहा है। हाँ, अच्छा एक सवाल बता दो, सब्जी महंगी हो गई है? नहीं, सस्ती है। सस्ती है, यहाँ पर कैसा व्यापार, ठीक से हो रहा है? व्यापार ठीक हो रहा है, थोड़ा सस्ता है माल, इसलिए व्यापार हो रहा है। बाकी कहाँ से हो? यूपी। यूपी में कहाँ? यूपी चित्रकूट। चित्रकूट से? अरे तब तो भगवान की ही धरती से हो, बढ़िया व्यापार। मतलब ऐसे परेशानी वाली तो बात नहीं होती है ना, बाहर से आए हो? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई आराम से सब्जी बिक जाती है? बस यहाँ कोई परेशानी नहीं है। पक्का डर के तो नहीं बोल रहे? नहीं, सब्जी बिक रही है सारी? हाँ, सब बिक रही है। तो लोग खरीदारी कितना, 1500 कितना पहले से ठीक है कि कम हुई है? सही है, जो चल रहा सही है, सस्ता है माल, ग्राहकी मस्त, मजा आ रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। ये देखिए यहाँ पे कुछ व्यापार, ये सब्जी बाहर के लोग हैं, सब्जी वगैरह बेचने के लिए यहाँ पर आते हैं, लारी लगा रहे हैं। थोड़ा सा देखिए, मैंने बताया ना कि शहरी विधानसभा क्षेत्र है, हम लोग नब्स टटोल रहे हैं, व्यापारियों से बात कर रहे हैं। शाम को लोग वॉक वगैरह पर निकलते हैं और ये देखिए महिला सशक्तिकरण का उदाहरण भी मिल जाएगा यहाँ पर आपको, कि महिला बाजार करने आई है। कोशिश करेंगे कि तमाम चीज़ों पर आपको और बात करके, लोगों से चर्चा करके चीज़ों को बता सके कि यहाँ की महिलाएं क्या सोचती हैं घाट लोडिया की।